दिख रहा है बेटा ये सभी को? पेज दिख रहा है सभी को? हेलो, पेज दिख रहा है सभी सर को? अभी ये सब आए नहीं है। है? अच्छा आए नहीं है, अभी आ गए हैं, ज्वाइन हो गए हैं। ठीक है, प्रूफ पे आते हैं हम लोग। प्रूफ ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, स्पेशली जो फैराडेज लॉ है एंड जो फर्स्ट है, फैराडेज लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ, ये दोनों आपको एग्जैक्टली पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट विद द फर्स्ट फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। फर्स्ट क्या है आपको पता ही है, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन क्या है? डेल क्रॉस एच, या इसको हम एम्पियर सर्किट लॉ भी बोलते हैं। ध्यान, तो स्टार्ट हम लोग कहां से करेंगे? हम पहले इसका डेरिवेशन करेंगे फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन का, जिसको हमें प्रूफ क्या करना है, कौन सा प्रूफ करना है? डेल क्रॉस एच हमें ये प्रूफ करना है, दैट इज जे प्लस डेल डी वाई डेल टी, ये हमको सपोज प्रूफ करना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम ये प्रूफ कैसे करेंगे, यही हमको प्रूफ करना है। तो हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं, यही चीज हमको प्रूफ करनी है, ये चीज। ठीक है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ देखें। तो एम्पियर सर्किटल लॉ से स्टार्ट करते हैं। तो वी नो दैट फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है बताइए? डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, यही निकलवाया था ना, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, दिस इज योर एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, क्या ले लीजिए, दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, किसका, डेल ऑपरेटर का। ठीक, डॉट प्रोडक्ट विथ डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स आप लोग डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक है, डेल ऑपरेटर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डेल डॉट डेल क्रॉस एच आ जाएगा, और राइट साइड में हो जाएगा डेल डॉट जे। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रॉपर्टी है, जो कि क्या कहती है, या डाइवर्जेंस या डॉट प्रोडक्ट एक प्रॉपर्टी है, कि बाय द प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, बाय द प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी कहती है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज जीरो, क्या कहती है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज जीरो, ये होता है। ठीक है, इट मीन्स ये जो आप देख रहे हैं डेल डॉट डेल क्रॉस एच, ये जीरो होता है। आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, कोई वेक्टर आपको गिवन है तो आप उसका ये चीज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो डाइवर्जेंस ऑफ ए, ये जो टर्म होता है इसका आप निकालेंगे तो ये टर्म जीरो आता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये जीरो आता है, इसको अप्लाई करेंगे इक्वेशन टू में, अप्लाई दिस ऑन इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, जीरो इज इक्वल टू डेल डॉट जे आ जाएगा। क्लियर है सभी को? या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन है ये, इसको थर्ड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? अब आपको पता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, हमने पढ़ाया था आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। नाउ बाय द
कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमने क्या बताया था कि डेल डॉट जे इज इक्वल टू, क्या बताया था, कोई बताएगा? डेल डॉट जे की वैल्यू हमने क्या बताई थी? हेलो, बताइए बेटा, क्या बताई थी? हेलो, कोई आवाज नहीं आ रही आप लोग की। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअली हमने जो बताया था ना आपको, हेलो बेटा आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। जो बीच में ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा ना डिफरेंशिएट करने के लिए, कि हमने बताया ना डी की वैल्यू जो होती है डेल डी होती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो ये डी है ना, ये इसको आप इसके ऊपर एक डॉट लगा लीजिए डिफरेंशिएट करने के लिए। बेसिकली ये डेल डी बाई डेल टी होता है, इसको हम लोग इससे ऊपर ऊपर एक डॉट लगा लिए, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ डी के ऊपर डॉट लगा दिया, यहाँ डी के ऊपर डॉट लगा दिया, तो ये डी के डॉट का मतलब ये डेल डी बाई डेल टी है, ठीक है? किसी का माइक बेटा दिक्कत कर रहा है बीच में। हेलो, ओके, जैसे ये बी है, बी के ऊपर भी डॉट लगा लीजिए, V की वैल्यू है डेल V बाई डेल टी। ये डॉट का मतलब है, आपको ये डिफरेंस ये पता चल जाएगा कि B डॉट का मतलब है डेल V बाई डेल टी, ठीक है? तो ये डॉट से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना आपके लिए इजी रहेगा। तो ये गलती से डॉट छूट गया, तो डॉट लगा लीजिएगा हर जगह, जहां पे भी हमने डायरेक्टली ये D लिखा हुआ है या B लिखा हुआ है। बेसिकली D और B डॉट का मतलब है डेल V बाई डेल टी, डेल D बाई डेल टी, ठीक है? ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा, यहाँ भी ऊपर डॉट लगा लीजिए, दिस इज योर डॉट, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे भी लगा लीजिए, जितनी जगह भी है ये, ठीक है? यहाँ पे भी लगा लीजिए, इसकी वैल्यू हमारी डेल डी बाई डेल टी होती है, ध्यान रखिएगा। ये जो है ना, यहाँ डॉट छूटा हुआ है, ये डी डॉट हमने एक्चुअली तो इस पूरे को ना लिख के हमने डी डॉट फॉर्म में लिख दिया है, डी के ऊपर डॉट लगा के। तो इसकी वैल्यू बेसिकली डेल डी बाई डेल टी होती है, सो सही कर लीजिएगा जहां जहां भी हमारे इस तरह से हैं, ठीक है? ऐसे यहाँ बी डॉट होगा, ये दिस इज योर बी डॉट, ठीक है? कोई कंफ्यूजन ना रहे। सिमिलरली यहाँ पे भी रहेगा, और इस बी डॉट की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, बी डॉट की वैल्यू क्या है, ये डेल वी बाई डेल टी, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी ऐसे सब जगह लगा लीजिए जहां जहां छूट गया ये, ठीक है? क्लियर? यस सर। ठीक है, सही। बाकी और जगह तो आई थिंक ठीक है। ये डॉट का मतलब, बस डॉट इसलिए हमने लगाया है क्योंकि एग्जैक्टली ये हमारा जो यहाँ पे आता है टर्म, वो डेल बी बाई डेल टी आता है, लेकिन इसको हम ना लिखे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का था, इसलिए हमने इसको बी डॉट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है? तो अगर इसको थोड़ा सा ना डिफरेंशिएट करने के लिए है ये, बाकी और कोई बात नहीं। आप उसको डेल बी बाई डेल टी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? देखिए हमने आगे जो प्रूफ कराया है, तो हर जगह डेल बी बाई डेल टी और डेल डी बाई डेल टी ही लिखा है, आपको दिख रहा होगा जब हमने इंटीग्रल फॉर्म निकलवाए थे, सब में हमने स्टैटिक फील्ड के लिए देखिए, है ना, दिख रहा है ना सभी को, यहाँ डेल डी बाई डेल टी ही लिखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको डी डॉट भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, क्योंकि बुक में आपको डेल डी बाई डेल टी ही मिलेगा,
वो कहीं वो हमने केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे, लोकल बुक में तो ऐसे ही मिलेगा डेल डी बाई डेल टी डेल वी बाई डेल टी, होता भी वही है, लेकिन स्टैंडर्ड बुक में आपको इसको डायरेक्ट ना लिख के इसकी जगह पे डी डॉट लिख देगा ऊपर, डी ऊपर एक डॉट, इसका मतलब ये डेल डी बाई डेल टी है, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन है केवल, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जहाँ जहाँ भी है हमने सही कर दिया आई थिंक सब जगह, बाकी हमने ज़्यादातर डेल डी बाई डेल टी ही लिखा है हर जगह, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो अब मैं यहाँ पे आ रहा था इक्वेशन पे, तो बाई द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन डेल डॉट जे, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रोवी बाई डेल टी होता है ना कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, दिस इज योर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर हम कर देते हैं 4, ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, रुक जाइए, तो ये हमारी चार इक्वेशंस हो गई, इसका मतलब है कि योर डेल क्रॉस एच जो है जे के बराबर है, दैट इज ट्रू, सो वी गेट डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये चार इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, अब आप देख सकते हैं जो हमारी इक्वेशन नंबर ये वाली है ये, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए डेल डॉट जे आ रहा है, इस डेल डॉट जे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट जे की जगह माइनस डेल रोवी बाई डेल टी लिख सकते हैं, तो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, ठीक है, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, ये समझ में आ रहा है सभी को, तो अगर इसको इसमें पुट कर देंगे तो यू विल गेट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल क्रॉस एच इसके बराबर आ जाएगा, हेलो देखिए, हेलो ये आवाज आ रही है सभी को, यस सर आ रही, तो अगर आप देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो ये टर्म तो हमारा जीरो था एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर, ये टर्म जीरो था मतलब डेल डॉट जे हमारा जीरो के बराबर आया था ना, और डेल डॉट जे एज पर द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज माइनस डेल रोवी बाई डेल टी, इसके नीचे पहले एक स्टेटमेंट लिख दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी हटा देते हैं हम, जस्ट राइट ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखिए इसमें जो मैं बोल रहा हूँ, एज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज मोर फंडामेंटल, एज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी is more fundamental ठीक है, so ampere circuital law should be modified, so ampere's circuital law should be modified, कैसे मॉडिफाई होगा ये, बेसिकली ये हो जाएगा हमारा हेंस डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है, अब अगले लेक्चर में बेटा हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ये, ठीक है, कर दीजिए, हेलो यस सर, अब इसके आगे जो है वो अगले लेक्चर से डिस्कस कर लेंगे, कोई टाइम ओवर हो गया है, ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में ही हमारी अगली यूनिट भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये आधे घंटे का काम और है, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करा देंगे, ठीक है, क्लियर है सभी को, यस सर, ठीक है, तो अभी मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ, इसके आगे जो है हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि बस डेरिवेशन पार्ट है, इसके बाद तो ये लगभग ओवर हो जाएगा, ठीक है, तो अभी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ।
तो मैक्सवेल इक्वेशन समझ में आ रही है सभी को? बताइए। यस सर। ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेपर के रिगार्डिंग। अटेंडेंस बोलिए सभी लोग फटाफट। सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, एक मिनट वीडियो ऑन कर लीजिए जरा। वन ट्वेंटी टू, वन ट्वेंटी थ्री, सर 122 प्रेजेंट, 123 प्रेजेंट। अच्छा, सभी लोग, जितने लोग यहाँ मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पे, सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। सभी लोग टर्न ऑन योर वीडियो सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई। ठीक है, स्मृति है, स्मृति रोल नंबर वन। यस सर। सुयश रंजन। श्रेयासी सिंह। श्रेयासी हैं। श्वेतांग सेठ। यस सर प्रेजेंट। श्वेतांक सर प्रेजेंट। ओके, वर्षिका वर्मा। वर्षिका है प्रेजेंट। ठीक है, विकास दुबे। 142 नहीं है। 143, 144, 43 सर। 144 सर। ठीक है, 145, 146, 145 सर प्रेजेंट सर। 146 प्रेजेंट। 9001। अब देखिए, एब्सेंट बता दे रहा हूं मैं, सुन लीजिए। 120, 125, 142, 9001। ठीक है, 9004 लगा दिए, 456 लगा दिए, 9004, 9005, 9006। ठीक है, लेक्चर समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है अभी? ये सभी को समझ में आ रहा है लेक्चर जो पढ़ाया जा रहा है? यस सर। ठीक है, अगर रेगुलर क्लास करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। ठीक है, रेगुलर क्लासेस करिए सभी लोग। ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू, थैंक यू सर।